बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और इसी के साथ हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल तहरा आपी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो आज की वीडियो मेरी को यूँ है कि हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो अब करते हैं चलते हैं काम की तरफ। तो सारे बहन भाई देख सकते हैं कि हम भाभी आसिया को तंग वगैरह नहीं करते और देख लो के साथ हम खुद काम करवाते हैं। मैं जब भी जाती हूँ मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा। और बेशक उनके चैनल पर जाकर भाई फ्याज से पूछ लें कि हम जाके उनको तंग करती हैं या नहीं। हाय जी भाई जवेद तो भाभी आसिया तो हम जा रहे वापस इन्हें मैं कह दी खाना खुना खा के जायो, खाना वगैरह बनाने खाते हैं नाले कोई रेस्ट करते हैं दोपहर तो कहते नहीं असी जाना हूँ असर है फिर जाके अज भाई वास नु दस भी तेरे ससुराल ला लिया असर है गर्मी च ना कहते इंसान का दिल करता कोई ठंडी चीज हो फिर जो आया तो फिर हुण रात ते आयो मेहमान चले गए। मैं दो तीन बर्तन और जे भाभी और भाई लेके आए हैं मैंगो, तो ये भी वाश करके टोकरी में डाल के रखती हूँ। ये कपड़े समीर कबीर के ये भी धो लेती हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं है। तो आज मेरे समीर और कबीर माशाल्लाह स्कूल गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब मैं ये पहले ये धो लेती हूँ फिर बच्चों के आने से पहले उनके लिए कोई चीज़ खाने के लिए तैयार करके रखती हूँ। ये हम मैं धो ले तो हूँ मैं राखी आँदी हाँ सैड से फिर आके बर्तन धोदी हाँ नाले कपड़े। ये बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और ये बर्तन भी कमरे में रखती हूँ। अब बनाई है मैंने सब्जी, आज एक नए तरीके की बनाऊंगी, पहले इस तरह की मैंने कभी नहीं बनाई इस तरह की। तो ये करेले मैंने वॉश करके रख लिए हैं, ये प्याज भी और ये टमाटर मिर्चे हैं। तो अब मैं बना पकाना शुरू करती हूँ। चूल्हा मैं बाहर कर लिया है, देर से भी ऊपर रख लेंगे चूल्हे दे ये हम चूल्हा कर दिया ਇਹ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਪਾ ਲੈ ਕੀ
करेले मैं गोल्डन ब्राउन कर ले हूँ मैं बेच पानी है और चने मैं उबाल के रखे हुए हैं पानी में भी चीज फ्राई कर दी फ्राई कर लेंगे प्याज कटे हुए यार टमाटर मिर्चा फिर भी पा दें सारिया चीजा हम अभी फिर बीज अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे मैं थोड़ी देर ले बंद कर दी सारा समान मैं अच्छी तरह घीच फ्राई कर लिया तो हूँ पाने असी मसाले तो सब तो पहले मैं पानी हाँ हल्दी क्योंकि मसाले कम ही पाने ज़्यादा तेज नहीं पाने तो नाले करेले वैसे भी कड़वे होंगे तो बच्चे नहीं खाते फिर इस वास्ते हल्के मसाले पावे असी तो हूँ मैं पाती हाँ सुरख मिर्च हल्की एक चम्मच तो नाल पाते हैं हूँ असी नमक तो नल नमक भी कम पावे क्योंकि पहले करेलियां लगा के रखा हुआ सीगा तो इस वास्ते ज़्यादा ना हो जाए कम ही पावे नमक भी इन पा दिते तो हूँ नमक भी पै गया मैं साडा हूँ मसाले ना असी कर लें मिक्स अच्छी तरह मसाले असी मिक्स कर ले ते आज काफ़ी मज़े दे करेले चने मसाला बनेंगे काफ़ी मज़ा आएगा करारे करारे खाने वास्ते मसाले मैं अच्छी तरह मिक्स कर ले ते हूँ नाल पाती हूँ सफेद जीरा थोड़ा जहा सफेद जीरा भी पाता है मसाले में असी हल्का जहा पानी का छिट्टा लगा थोड़ा जहा पानी में पाने के मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो पानी इस पाता है हूँ एक बार फिर मिक्स कर लाँगे पानी भी हूँ असी अच्छी तरह मिक्स कर लिया तो उपरों कर देवे इन हूँ असी कवर थोड़ी देर वास्ते क्योंकि मसाले अच्छी तरह भोजन तो फिर असी इन्हें नीचे उतार लाँगे सारा सालन तैयार हो गया है मज़ेदार जहा बड़ा प्यारा तो काफ़ी टेस्ट भी यदा बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है चने करेले मसाला करेला मसाला तैयार हो गया
तो घी भी मैं कम ही पाया, ज़्यादा घी गर्मी पाया हो तो भी नहीं खाता जाता, तो इस वास्ते घी हल्का ही रखा। तो हूँ असं बाद आटा गुन के रोटियां पका के फिर बैठ के खाने। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।